बेटे के साथ मारपीट अगवा किया गया, इस पर क्या? मेरे बेटे अंकित, भतीजा दीपक और एक बचपन से हमारे पास ही रहता है लड़का, वो प्रदीप, अर्टिका से वो प्रचार करने के लिए, बीडीसी से संपर्क करने के लिए जा रहे थे। त्रिलोचन हाईवे के पास जब वो नहर से चढ़ते हैं, वहाँ एक गाड़ी दक्षिण से आई। उन्होंने देखा कि ये गाड़ी हमको रोक रही है, तो उन्होंने बाएं तरफ घुमाया जो पेट्रोल पंप की तरफ जाता है, और तुरंत वहाँ जो है दूसरी गाड़ी आगे से आके अगवा कर ली और हमारे बेटों को वहाँ से अगवा करके ले गए लाल प्रताप के घर। लाल प्रताप जी माननीय जो किराका क्षेत्र के विधायक दिनेश चौधरी हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, उनके सारे काम काज मतलब सब कुछ वही देखते हैं। वो अपने घर ले गए मेरे बेटों को गाड़ी सहित, वहां ले जाकर इतना पीटे राड से और डंडों से, यहां तक कि धारदार हथियार से उनके यहां चोट लगी है। इतना पीटे कि वो मरा हुआ समझकर तीनों को पट लेटा दिए थे। जब मुझे पता लगा तो मैं वहां गया अपनी गाड़ी UP-32 JC-0077 से स्कॉर्पियो से वहां पहुंचा, तो मैंने देखा कि मेरे बेटे और भतीजे जमीन पर पट लेटे हुए थे और खून उनको बह रहा था और हिलजुल नहीं रहे थे। मैंने उनसे पूछना चाहा कि इनको यहां क्यों ले आए, यही सुनते उन्होंने उनके हाथ किराका क्षेत्र के विधायक के प्रतिनिधि लाल प्रताप सिंह, उनका बेटा विशाल सिंह रेहटी, माला सिंह, वर्तमान प्रमुख संदीप सिंह, अजय सिंह बेला, इन लोगों ने, यही लोग हमारे बेटे और भतीजों को पकड़ के वहां ले गए थे अपहरण करके। इन्हीं लोगों ने मुझे दौड़ाया और यहां तक कि पिस्टल से फायरिंग किए, ये तो मैं बच गया, किसी तरह जान बचा के वहां से भागा। और जब मैं यशो महोदय और लोगों को संपर्क किया तो तुरंत आए, मैं तो वहां छुप गया था। और जब वहां वो पहुंचे और वहां से सिपाही ने मुझे फोन किया कि अब आप कहाँ हैं, छुपे हुए हैं, आ जाइए, आपके बेटे बिल्कुल यहाँ मरणासन में पड़े हैं। तो वहाँ ले गए, तो मैं पहुँचा रेफी स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ अपने बेटे को देखा, एकदम हालत गंभीर पड़ी हुई थी, उनकी हालत नाजुक थी, ऐसा लग रहा था कि वो मर चुके हैं। मैं उनको सीधे लेकर सिंह मेडिकल इंस्टीट्यूट बनारस पहुंचा, वहां ICU में भर्ती कराया आपातकालीन में, और वहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।